Assalamu alaikum guys, welcome back again to our channel Pakistani Bangla Reactions. Guys, my name is Hassan Asir. And I am Ahmad Latif. And apnara Cameron Achin, Ami Baluachi, alhamdulillah. So guys, alhamdulillah. So guys, aaj ki jo video ka title hai wo ye hai ki Dhaka versus Bandung, Bangladesh versus Indonesia, two incanting cities in Asia. Okay. बात मेरे भाई ने छोटे ने आपको पता है कि चैनल बनाया बिल्कुल बनाया तो गाइस उसको काइंडली आप कहें ना मैं कहूँ मैं सब्सक्राइब करूँ कह दो मैंने तो कर दिया सर मैंने कर दिया कमेंट सेक्शन में मेरे भाई का लिंक मिल जाएगा उसने आज ही एक वीडियो डाली इंडोनेशियन ड्राइवर्स वर्सेस बांग्लादेश ड्राइवर बहुत जबरदस्त वीडियो वीडियो गाइस जाकर लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा क्लिक कीजिएगा वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमें भी और गाइस धमकी दे दो धमकी दे दो भी लाइक कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो है दो बेस्ट मैं कहता हूं कि कंट्रीज के बेस्ट सिटीज होने वाले हैं इंडोनेशिया भी बहुत तो अभी देखते हैं सर क्या सीन है क्योंकि उसकी भी ब्यूटी का मुझे अंदाजा है इंडोनेशिया भी ब्यूटीफुल है तो ये वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा अभी विदाउट एनी डिले अपनी जगह बहुत खूबसूरत है बैंडंग भी बहुत अच्छा है वो तो वीडियो में देखते हैं क्या सीन है दोनों का भी हां वीडियो को स्टार्ट ना करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 2 1 स्टार्ट वर्ल्ड हाइव्स थाईलैंड इंडिया अच्छा ये वैसे ही दिखा रही है इंट्रोडक्शन है जापान बांग्लादेश बेस्ट फ्रेंड क्लोजेस्ट फ्रेंड भी कह सकते हैं भाई बांग्लादेश को जी ढाका वर्सेस बैंडंग देखते हैं भाई साहब आज की वीडियो कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश है ये तो सब जानते हैं ढाका दिखाने लगे हैं यहाँ के ब्रिजेस जो है ना भाई इनका तो कोई जवाब नहीं क्योंकि है ही केनाल देखो हर जगह आपको केनाल लेक्स नजर आएंगी ये देखो दोबारा लेक्स नजर आएगी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है 21 मिलियन है मात्र ओके 90% आपको इस्लाम है इधर नजर आएगा बाकी हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म सिखिज्म डिफरेंट मतलब रिलीजन भी हैं अच्छा जीडीपी यार 317 बिलियन है 2019 की अभी 4 कितनी होगी 400 तो नहीं होगी बांग्लादेश की टोटल नहीं नहीं सिर्फ 11 है ढाका की यार ये तो ढाका की बताइए मेरे ख्याल से ना टोटल बांग्लादेश की आई थिंक है ये करना है यार इसे सेट करना हां बांग्लादेश की होगी फिर क्या छोड़ना मत अच्छा ये बिल्डिंग काफी बार देखी है ना ये पार्लियामेंट है पार्लियामेंट है और ये यूनिक बिल्डिंग है सर बाद आज सेट कर ही दो यार का परमानेंट इलाज करो छोड़ दो आप ओए बिल्डिंग कितनी अच्छी थी यार ये लोटस टाइप ये था जो है ना चौकिन का यार ये जो है ना ये क्यूब में ये बहुत ट्रैक करता है ये स्टेडियम है मेगा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से काफी है जो है ढाका जा रहा है आगे अच्छा अल्लाह हू अकबर इस पर हमने रिएक्शन ये मॉस्क है जी है। अच्छा ये क्रिश्चियंस का चर्च वगैरह है जी इनका ये कब्रिस्तान भी है साथ ही ये उनका बुद्धिज्म का तो नहीं है देखो ना काफी मतलब रिलीजियंस है इंडिया और बांग्लादेश के मतलब फाइनल अल्लाह हू अकबर फ्रीडम काफी मिला है रिलीजियंस को ना इधर व्हाट इज दिस मॉन्यूमेंट गाइस बताइएगा कमेंट सेक्शन मुक्ति वाहिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है आई थिंक सो वही है सर ये क्या यार बड़ा बेहतरीन आर्किटेक्चर यार सन वो एक सुराख है उसके अंदर से दिखा रहे हैं होल के अंदर से व्हाट इज दिस ये गुलशन का चौक है जी इतना हमें पहचानते हैं हम ढाका को यार ये बहुत मुझे अच्छी लगती है जगह जबरदस्त जगह है सर गुलशन तो वाल्टन फ्लाईओवर्स की तो बात ही ना करें ढाका के अंदर क्या बांग्लादेश के अंदर ही बहुत ज्यादा है नाइट भी आई है आखिर भी पार्लियामेंट आ गई
क्या क्या दिख ये वाकई इनका इंडिपेंडेंस डे का दिन ही होगा इस चीज़ का। अच्छा जब इंडोनेशिया की बारी आ गया जी, ये सिटी हम पहली दफा देखने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। पॉपुलेशन 2.5 मिलियन, मतलब ये तो काफी कम है उससे। हाँ बहुत कम है, 25 लाख है सिर्फ। लेकिन 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 नेचुरल ब्यूटी ढाका से ज्यादा है, मतलब जो है ना साइड पे बीच टाइप। अब सिटीज को देख लेते हैं। अच्छा यहाँ भी इस्लाम 90% यार, ये इस्लामिक है ना। हाँ वही ना, सेम सेम है, मतलब वहाँ पे भी सारे जीडीपी इनकी काफी ज्यादा है वैसे, ट्रिलियन में है यार। इंडोनेशिया कितनी ज्यादा यार, बहुत ज्यादा है इस टाइम तो, ज्यादा होगी वो तो 2019 था यार, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। मतलब मैं इसलिए हैरान हूँ कि पाकिस्तान से भी इतनी ज्यादा, बांग्लादेश से भी इतनी ज्यादा, 1 ट्रिलियन इंडोनेशिया की यार। देखो यार इंडोनेशिया यार डेवलप्ड कंट्री है बहुत ज्यादा, इसको लाइट ना लो, बहुत जबरदस्त स्कैनिया बसेस काफी, मतलब ये महसूस करते हैं जबरदस्त यार, हैरान किया इंडोनेशिया की जीडीपी ने। अच्छा इनके जिसने वीडियो बनाई है काफी अच्छी बनाई है, ये इंडोनेशिया का कोई होगा ना ब्लॉगर, उसने लेकिन बहुत अच्छी बनाई, ट्रांजिशंस का यूज अच्छा किया। देखो ये पार्क वगैरह और इस तरह की चीजें भी जो है ना जबरदस्त इंडोनेशिया के अंदर बनाई हुई है, और नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है इंडोनेशिया का। तुर्की जाते हैं हम दूसरे कंट्री से, हमें इंडोनेशिया को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। इंडोनेशिया भी ब्यूटीफुल है यार, खूबसूरत कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है हमारा, रोबोट्स इंडोनेशिया के अंदर भी यार जो मतलब यार अच्छा नेचुरल ब्यूटी भी काफी है यार इंडोनेशिया के अंदर, जैसे इस्लामाबाद बिल्कुल ऐसे है। हेलोवीन ये क्या कर रही है, हेलोवीन। अच्छा इंडोनेशिया में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, आप देखा होगा 3-4 बिल्डिंग, रेलवे लाइन भी बिछी हुई है यहाँ पे। हाँ है, और रेशो हसन कम नहीं नजर आ रही बिल्डिंग्स की, बहुत ऊंची बिल्डिंग कम नहीं है, मतलब अगर देखो ना अभी एरियल व्यू देखो तो ढाका में ज्यादा है, ढाका में तो हर बिल्डिंग के साथ ऊंची बिल्डिंग लगी हुई है, ज्यादातर घर बने हैं जैसे हमारे नहीं होते देखो। हाँ। वो जैसे वन हाउसेस, फ्लैट सिस्टम कम है यहाँ पे। मोस्क के मीनार यार, मस्जिदें मतलब जबरदस्त यार, ये कौन सा पार्क है यार, मतलब डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप है यार ये भी, अच्छा डेवलप है कि यार ये इतना ज़रा डेवलप कंट्री हो गई ये भी। ओके जी, गाइस यहाँ पर वीडियो एंड होती है, तो हमें पता है कि टॉप 10 कंट्रीज वो जो के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, बांग्लादेश के दोस्त से करीबी, उसके अंदर इंडोनेशिया भी उसके अंदर शामिल है जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं बांग्लादेश के, इसमें जापान भी है, इंडोनेशिया भी, और कंट्रीज भी हैं इस टाइम पे, टर्की भी आई थिंक अभी अच्छा इनके साथ तावन कर रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर भी, वेपन्स के अंदर भी, बांग्लादेश के साथ, और दोनों सिटीज का अगर कंपैरिजन करें या दोनों सिटीज में जबरदस्त एक एक डिफरेंस था, वो हम मैं बताता हूँ पहले कि ढाका के अंदर जो वर्टिकल बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब तादाद के अंदर फ्लैट सिस्टम ज़्यादा है, जबकि इंडोनेशिया की सिटी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स की रेशो ज़्यादा नज़र नहीं आई है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बट रेशो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू ढाका। दूसरा डिफरेंस था ढाका क्योंकि जो है ना वो बीच के साथ नहीं है, वहाँ पे ढाका में ऐसी ब्यूटी नेचुरल नहीं है, हिली एरियाज टाइप या फिर वाटरफॉल्स हो या फिर जो है ना समंदर का बीच लगता हो, ये ढाका के अंदर नहीं है, बट हमें बैंडंग इंडोनेशिया की सिटी के अंदर में जो है ना ये बैंडंग जो है इसके अंदर जो ब्यूटीफुल और नेचुरल ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा नज़र आई एज़ कम्पेयर टू ढाका, जो वाटरफॉल्स थे और इसके अलावा भी जो मतलब बीच टाइप उन्होंने व्यू दिखाया वो बहुत ज़बरदस्त था। आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए, हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर या वैसे आर्किटेक्चर की, वो बांग्लादेश के अंदर वो ढाका के अंदर ही पाया जाता है, वो ढाका के अंदर मॉडर्न टच कहते हैं कि मॉडर्न टच भी हो और अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, वो हमें बैंडंग के अंदर, बैंडंग के अंदर। और दूसरी मुझे जिस चीज़ ने हैरान किया वो उनकी जीडीपी थी सर 1.1 ट्रिलियन, मतलब मैंने एक्सपेक्ट, इंडोनेशिया कितना नहीं है हैवी, मतलब कोई आप पॉपुलेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं है इंडोनेशिया की, है कितनी है, बहुत है नहीं कितनी है फिर भी, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा मतलब जो जिसकी पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया की। अच्छा फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया, फिर पाकिस्तान की। अच्छा मतलब फिर भी कितनी होगी इनकी, बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन, बट पाकिस्तान से आई थिंक 30-40 करोड़ होगी आई थिंक सर, इतने इतने हो क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं होगी इंडोनेशिया की, अब
वो गाइस देख क्योंकि आपने इस सिटी से अंदाजा लगा लिया, सिटी के अंदर सिर्फ 25 लाख लोग वो रहते हैं। असल में बताऊं बात क्या है, इस्लामाबाद की पॉपुलेशन थोड़ी है। हाँ, इस्लामाबाद की भी वैसे कम कैपिटल है। कुछ कंट्रीज होते हैं जो जिनके कम महंगे एक्सपेंसिव होते हैं वो ना, तो मे बी, लेकिन फिर भी एक हिसाब से उनका एक सिटी था वो पहले होता था। हाँ हाँ, अभी ये सुना होगा, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। इस हिसाब से अगर जीडीपी की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है इनकी इंडोनेशिया की, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी जो हमारे हमारी पाकिस्तान तो सबसे नीचे ही है फिलहाल तो, क्योंकि बांग्लादेश बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है जीडीपी के अंदर भी अगर आप बात करें, पर कैपिटल इनकम के अंदर भी सबको क्रॉस तो कर ही दिया इसने, बट जीडीपी जो एक्चुअल है उसके अंदर भी बहुत तेज़ी से जो है ग्रूम कर रहा है। अच्छा, इसकी भी मतलब 4000 के राउंड वर्ड और बांग्लादेश की 2500 क्रॉस कर चुकी है पर कैपिटल इनकम ना, ओके, मतलब पाकिस्तान को पीछे छोड़ गई है, इंडिया को भी। हाँ, पर कैपिटल में दोनों को इसने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, दूसरी बात, अब ढाका की बात करें तो दोनों जो है ना, ढाका बेसिकली मुझे उस चीज सिटी का तो उन्होंने पता नहीं, उन्होंने बताया नहीं है, बट ढाका फाइनेंशियल हब है बांग्लादेश का, और जो है ना सारे सिटी ऑफ ड्रीम्स भी आप कह सकते हैं ढाका को, फाइनेंशियल हब सिटी नहीं लग रहा था मुझे, मुझे भी वो टूरिज्म वाला ज्यादा लग रहा था। जकार्ता जो है ना, जकार्ता पता नहीं शायद वो फाइनेंशियल हब होगा, फाइनेंशियल हब होगा है ना, ये ज्यादा टूरिज्म लग रहा था टाइप ना, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको जकार्ता के अंदर नजर आती है। हां, यहां पे हमें कम नजर आई है। तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, मज़ा आया वीडियो को देखकर, जो है ना ढाका की हमने वीडियो पहले ही देखी हुई है, लेकिन मजीद जो है ना दोबारा देखी को देख के हमें पता चल गया यार इनका कैपिटल बैंगडंग है, तो दोनों को हमने कंपैरिजन जो है ना देखा, ज़बरदस्त किस्म का था और मज़ा आया हमारा, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल गए सब्सक्राइब जरूर ठोक दें, और 5 वक्त की नमाज जरूर अदा किया करें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो गाइस अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।